Welcome back in BST class. This is 11th video on chapter 2, Principle of Management. जैसा कि तुम लोग जानते हो, हम लोग fuels के principle पर discussion कर रहे हैं और fuel के principle पर हम लोग 14 principle fuel दिए हैं. उसमें से हम लोग 6th principle मतलब 6 principle हम लोग discuss कर चुके हैं. तो उसके लिए हम लोग आप लोग को एक सेंटेंस दिए थे और एक्रोनिम्स दिए थे 14th लेटर का, दैट इज दादू इज सो सिक्योर. तो हर एक लेटर से एक एक तो प्रिंसिपल हम लोग बोले थे कि डिस्कस करेंगे. तो DADU डिस्कस कर चुके, IS डिस्कस कर चुके, अब हम लोग SO शो, इस वीडियो में SO शो से रिलेटेड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. मतलब S फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. ये 7th प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्योल. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इस प्रिंसिपल में फ्योल क्या बोलना चाहे हैं कि टर्नओवर, एम्प्लॉय का टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर बार बार एम्प्लॉय का टर्नओवर करेंगे, मतलब अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को हमेशा छांटेगी, नौकरी से निकाल देगी और नया एम्प्लॉय लाएगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ नहीं रहेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहने के कारण जो भी एम्प्लॉई या जो भी वर्कर काम करेगा वो इनसिक्योरिटी महसूस करेगा. वो अपना 100% नहीं देगा, उसको लगेगा कि हमको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है. इसलिए वो इनसिक्योरिटी महसूस करेगा, इनसिक्योर रहेगा. तो स्टेबिलिटी और ये टर्नओवर को हम लोगों को मिनिमाइज करना है, ताकि एक एम्प्लॉई जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संस्था में जो एक एम्प्लॉई को हम रख चुके हैं, उसको रखने से पहले उसका बैकग्राउंड बढ़िया से चेक कर लेना है, उसके एक्सपीरियंस को देख लेना है. क्योंकि एक एम्प्लॉय को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से वो अभ्यस्त हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा जान जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको समझने लगता है. और अगर हम लोग उसको निकाल देते हैं, टर्नओवर करते हैं बार बार, तो इसका बैड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ता है, सोसाइटी पर भी पड़ता है. अच्छे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये डर सताता रहेगा कि हो सकता है हमको नौकरी से निकाल दिया जाए. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बहुत ही जरूरी है. तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयड टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए उसके टर्नओवर को मिनिमाइज करना होगा. इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर फॉलोइंग ए ड्यू एंड रिग्रस प्रोसीड्योर. वंस दे आर अपॉइंटेड, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजिशन फॉर ए मिनिमम फिक्स पीरियड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर शुड हैव stability of tenure and should given a sufficient time to show their performance. Moreover, frequent transfer or rotation should also be avoided. If an employee receive transfer order, by the time he learn and get settled in a job, it will be leading to wastage of resource and he will not be able to contribute his best to the organization. तो मतलब क्या है कि organizations में एम्प्लॉय को लेते समय हमको बहुत अच्छा से बैकग्राउंड वगैरह चेक करके लेना है, कि बार बार टर्नओवर नहीं करना है, क्योंकि वो अभ्यस्त हो जाता है, वो जान जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को. और जब उसका बेस्ट देने का समय आता है, तो अगर उसको ट्रांसफर का या नौकरी से निकाल देने के बारे में अगर सोचा जाए, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर. वो अपना 100% नहीं दे पाएगा. मतलब एम्प्लॉय को सफिशियंट समय देना होगा. देन व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? तो पॉजिटिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या क्या होगा? रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल बी स्लो हो जाना चाहिए. कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैन बी मिनिमाइज्ड करना होगा, और इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोइंग द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल. अगर हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल को कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोज फॉलो नहीं करता है, एडॉप्ट नहीं करता है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा? इनएबिलिटी और इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय में क्रिएट फियर ऑफ जॉब सिक्योरिटी.
Hence, they will be try to leave the organization. वो खुद छोड़ना चाहेगा, उसको जहां अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा चला जाएगा, इनसिक्योरिटी महसूस करेगा. और क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग विल लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट एंड वेस्टेज ऑफ टाइम. दैट इज द मेन पॉजिटिव और एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. नाउ अभी हम लोग केस स्टडी लिख लेते हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर. दैट इज 18th केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में 18वां केस स्टडी है और हम आशा कर रहे हैं तुम लोग हर एक केस स्टडी को लिख रहे होगे अच्छा से ध्यान से. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पर बेस्ड होकर के 18वां केस स्टडी है. प्लीज राइट डाउन केस स्टडी. एक्स वाई जेड लिमिटेड रिक्रूट्स इट एम्प्लॉई ऑन टेम्पोररी बेसिस टू अवॉइड इंक्रीमेंट बेनिफिट. ड्यू टू दिस देयर इज फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय एंड ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल्स इन देम. This prevents them from contributing their maximum. First question, which principle of fuel is violated by XY Limited? Second, state the principle. And third question, write its positive and adverse effect of this principle. जो हम लोग इसके आठवें principle पर fuel का आठवें principle पर बात करते हैं, that is principle of order. मतलब अगर हम सेंटेंस पर अपना जो याद रखने के लिए हम लोग सेंटेंस यूज किए हैं, दादू इज सो सिक्योर, तो इज तक हो गया, एस भी हो गया, ओ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पर बात करते हैं. इस प्रिंसिपल में फ्यूल क्या बोलना चाहे हैं कि मेन और मटेरियल मस्ट बी अरेंज प्रॉपरली. मतलब हर एक चीजों का एक सही जगह होना चाहिए, चाहे वो मेन हो और मटेरियल हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल सेज दैट There must be proper arrangement of the main and material. यहाँ पर दो प्रकार का arrangement के बारे में order के बारे में बात की है. That is material order और दूसरा social order. Material order में क्या है, arrangement of things is called material order. क्या होता है, it ensure proper and fixed place for various material tools and equipment. Social order में arrangement of people is referred as a social order. It ensure proper and fixed place or seat, cabin etc. for each employee in an organization. Suppose इसको मैं एक उदाहरण से समझते हैं कि social order क्या है या material order क्या है, क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाह रहे हैं fuel इस principle में. तो suppose एक employee organization में काम कर रहा है और काम करने के दौरान काम करते हुए उसको महसूस हुआ किसी टूल्स का, और वो टूल्स को उसको पता होना चाहिए वह टूल बॉक्स कहाँ है या टूल रूम कहाँ है, जिसको वह टूल समय पर जो उसको जिस समय उसकी जरूरत हो वो आसानी से उसको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए. सपोज उसको ये पता ही नहीं है कि कंसर्न टूल्स या मशीन जिस चीज की उसकी आवश्यकता है उसको पता ही नहीं वो कहाँ हमको मिलेगा, तो इस सर्च करने में उसका समय बर्बाद होगा. उसी तरह से अगर किसी सुपरवाइजर का उसको गाइडेंस की जरूरत है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कंसर्न पीपल और सुपरवाइजर का कैबिन कहाँ पर है, नहीं तो उसका सारा समय वो इस मेन और मटेरियल खोजने में, सुपरवाइजर को ढूंढने में कि उनका सीट कहाँ है, प्लेस कहाँ है, कभी किसी दूसरे कैबिन में बैठते हैं, कभी दूसरे कैबिन में बैठते हैं, तो समय बर्बाद हो जाएगा. तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए एवरीथिंग मेन एंड मटेरियल का. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हम लोग इस फ्यूल के इस प्रिंसिपल से हम लोग क्या समझें कि देयर मस्ट बी प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ द मेन एंड मटेरियल. मतलब एवरीथिंग मस्ट बी सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट राइट प्लेस. इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर मस्ट बी ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोले हैं, फ्यूल व्हाट इज स्टेटस स्टेट दैट फ्यूल अकॉर्डिंग टू द दिस प्रिंसिपल फ्यूल सेज दैट पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे. इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पहला इट इंश्योर इन इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. दूसरा एन ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रांस. और तीसरा हम लोग करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम
कॉस्ट इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। हम लोग देखे कि वो इम्प्लॉय को काम करते हुए अगर मशीन का टूल्स का किसी टूल्स का जरूरत है तो उसको अगर पता ही नहीं है कि उसका प्रॉपर टूल्स किस जगह पर है तो सारा समय उसको टूल्स को ढूंढने में समय व्यर्थ चला जाएगा। और अगर सुपरविजन का जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है किसी सुपीरियर का, तो उसको ये नहीं पता है कि उसका सुपीरियर या सुपरवाइजर कहाँ है, उसका प्रॉपर प्लेस कहाँ है, तो उसका सारा समय इस सुपरविजन और सुपरवाइजर को ढूंढने में चला जाएगा। तो एवरीथिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द मेन एंड मटेरियल, का ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अगर इफ ऑर्गेनाइजेशन इज वायलेटेड दिस प्रिंसिपल, मीन्स इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, देन वॉट विल हैपन इन एबसेंस ऑफ ऑर्डर मे लीड टू वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। सेकेंड, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड पीपल मे लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशेंसी को डिक्रीज करेगा। अब इस प्रिंसिपल से रिलेटेड भी हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द 19th केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 19वां केस स्टडी होगा, इसके पहले 18 केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। न्यू इंडिया लिमिटेड इज ए फाइनेंस कंपनी। ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्पेस, मिस्टर मोहन ए टाइपिस्ट इज नॉट असाइंड ए पर्टिकुलर प्लेस टू डू हिज जॉब। एवरी डे ही हैज टू वर्क फ्रॉम ए न्यू प्लेस एंड इज असाइंड ए न्यू टेबल। One day, a document needed to be urgently typed and sent to client's office for approval of a project. Mr. Shyam, manager, could not find Mohan. As a result, the company lost the important project and could not avail itself of the opportunities. Then, what is the first question of this case study? Pahla question kya hai? Which principle of Fayol is violated here? एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट स्टेट्स। तो इस केस स्टडी हम लोग क्या पढ़े कि न्यू इंडिया लिमिटेड फाइनेंस कंपनी है, जो उसके पास जगह की कमी है, स्पेस की कमी है, मोहन एक टाइपिस्ट है, उसको एक पर्टिकुलर असाइंड एक प्लेस, फिक्स प्लेस नहीं मिला उसका काम करने के लिए। प्रत्येक दिन उसका नया प्लेस में बैठता है, वहीं से अपना काम करता है, एक नया टेबल उसको मिलता है। एक दिन एक बहुत ज्यादा अर्जेंटली डॉक्यूमेंट को सेंड करना था कंपनी को अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट का, और जो श्याम है मैनेजर, वो मोहन को ढूंढ नहीं पा रहा है कि कहाँ है मोहन एट ए टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर। इससे क्या हुआ, कंपनी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर प्रोजेक्ट को खो दिया, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द विच प्रिंसिपल ऑफ फेयल इज वायलेटेड हियर, उसको लिखना है, और व्हाट डज इट स्टेट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब इसमें हम लोग अभी तक 8 प्रिंसिपल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाकी और 6 प्रिंसिपल है, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 14th प्रिंसिपल हम लोग को डिस्कस करना है फ्यूल का, हेनरी फ्यूल का, तो हम लोग 8 प्रिंसिपल तक डिस्कस कर चुके हैं। मतलब दादू इज सो सिक्योर, DADU, दादू इज IS मतलब 6, और SO शो, 8 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग और डिस्कशन करेंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग सारा केस स्टडी को लिख रहे होंगे, सारा वीडियो को देख रहे होंगे। सारा वीडियो को देखिए, केस स्टडी को लिखिए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, पर्सनली कॉल करके भी आप लोग अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो आप बेटर है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चंस लिख दीजिए, हम उसका आंसर आप लोगों को सेंड कर देंगे। PDF भी भेज रहे हैं सारा, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी भेज रहे हैं। तो इसको आप लोगों का काम एक ही है कि नोटबुक में इसको लिख लेना है। अभी हम लोगों का लॉकडाउन का पीरियड है, तो और हम लोग कुछ दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो इसी के माध्यम से हम लोगों को क्लासेस को करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। हम तो प्रत्येक वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डिस्कशन हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना हो, वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में हम लोग 2 या 3 प्रिंसिपल को डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपको सूटेबल हो, याद करने में सूटेबल हो, लिखने में सूटेबल हो। धन्यवाद, घर पर रहिए, इधर उधर घूमना नहीं है लॉकडाउन पीरियड में, और अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है, और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, पढ़ाई ध्यान से करना है।